कर्मठ और महान हर भारतवासी की मुस्कान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। सिज्जत क्या है? We extend a very warm and hearty welcome to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. We also extend a warm welcome to the Honorable Minister of Human Resource Development, Shri Prakash Javadekar, and सभी माननीय सम्मानीय मंत्रीगण का हम हृदय से स्वागत करते हैं। यहाँ मौजूद और देश भर से टीवी और नेट के जरिए जुड़े बच्चों का, स्टूडेंट्स का और सभी महानुभाव मेहमानों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि आज देश उत्सव मना रहा है, उत्सव विकास का, न्यू इंडिया के नए उमंग नए उल्लास। हर ओर आनंद है उस विश्वास का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि क्यों ना स्टूडेंट्स भी परीक्षा को उत्सव की तरह लें और इसे उमंग और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करें। This should be an occasion for rejoicing. तैयारी डट कर गए लेकिन डर कर नहीं। आज भारत भविष्य के रचयिता माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के भविष्य स्टूडेंट से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट श्री प्रकाश जावड़ेकर चपका ही एड्रेसेस। प्रधानमंत्री हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीनियर मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, हर्षवर्धन जी, नड्डा जी, जितेंद्र सिंह जी, मेरे दोनों साथी सत्यपाल सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी, और आप सब देशभर से जुड़े छात्र, अध्यापक, प्राध्यापक और सभी अभिभावक भी, क्योंकि घरों घरों में पेरेंट्स भी देख रहे हैं। यह अद्भुत कार्यक्रम है। पहली दफा शायद कोई प्रधानमंत्री देश के छात्रों से चर्चा कर रहे हैं परीक्षा पर। परीक्षा जैसा विषय जो राजनीति का विषय नहीं है लेकिन सबका जिंदगी का विषय है। परीक्षा छात्र भी देते हैं लेकिन जिंदगी में स्कूल और कॉलेज के बाद भी परीक्षा हर बार होती रहती है, और इसलिए परीक्षा को तनाव मुक्त कैसे उसको पेश आए, उसका त्योहार कैसे मनाए, उसको पर्व के रूप में कैसे मनाए, ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो घर घर की कहानी है, जो घर घर का विषय है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने चिंतन किया। मन की बात में 15 में, 16 में, 17 में अपने विचार उन्होंने बताए परीक्षा के समय पर, और अब ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें देश के 6 लाख स्कूल्स में और 35,000 कॉलेजेस में 10 करोड़ छात्र, अध्यापक, प्राध्यापक सब सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको इतना बड़ा कार्यक्रम। और अब जब किताब जो पढ़ेंगे, जो पढ़ा भी होगा किसी कुछ लोगों ने, तो मंत्र दिए कि कैसे उसको पेश आए। लोग जो कहते हैं मैं सामना करता हूं, वो सामना नहीं है, वो तो हम पेश आते हैं, चुनौती है तो उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये सारा मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी से मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी केवल परीक्षा पर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री जी इस बजट को अगर कोई देखे तो ये समझेंगे कि इनकी प्रतिबद्धता, प्रधानमंत्री जी का एक दृष्टि है, विजन है, एक मिशन है, क्योंकि देश अगर संबल करे मिलेगा, देश अगर ताकतवान बनेगा तो वो शस्त्र अस्त्रों से नहीं, वो शिक्षा से ही समृद्ध बनता है, शिक्षा से ही समर्थ बनता है, ये विश्वास है। और इसके लिए अच्छी शिक्षा सबको मिले ये उसका प्रेरणा है, और इसके लिए इस बार उनका जोर है केवल बिल्डिंगें बने
केवल बाकी सारे साधन सामग्री मिले इसमें नहीं शिक्षा होती। शिक्षा अगर अच्छी मिलनी है तो शिक्षा के लिए आउटकम बेस्ड रिजल्ट लाने चाहिए।